ये देखिए पुलिस है यहाँ पर, पकड़ो मेरे को, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया। तो हम प्रो राइडर है ना, इसलिए हमको बाइक ही पसंद है। ओह माय गॉड, वाओ, कितना अच्छा वेदर है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ। आज मैं मेरे मामा के घर जा रहा हूँ, मेरे मामा का एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, शॉप में थोड़ा सा काम है, कुछ सामान लेना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आज ये कार लेकर जा रहा हूँ, ऑल्टो बस इधर आ रहा है मेरे शोरूम पे, यहाँ से हम दोनों निकलेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। तो बस इधर आ चुका है, हम दोनों निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, एसी के बिना जाना नामुमकिन है, इतना गर्मी है क्या बोलो। तो अभी सिमलागढ़ गेट में है, गेट पड़ा हुआ है, ट्रेन आ रहा है। तो गाइस मैं तो बताना ही भूल गया, मैं जा खा रहा हूँ, मेरे मामा का घर है जमालपुर में, जमालपुर बर्धमान में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो गेट खुल गया, देख सकते हैं बहुत ही ट्रैफिक है, धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, इसलिए सब काम धीरे करना चाहिए, जल्दबाजी काम में नहीं करना चाहिए, धीरे करेंगे तो अच्छा होगा। ओ भैया खींचो खींचो, क्या कर रहे हो यार, इतना बड़ा ट्रक लेके। ये देखिए पुलिस है यहाँ पर, पकड़ो मेरे को, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया। पकड़ो मुझे, पकड़ो सर, इतना गर्मी है तो इसलिए एसी चालू है। आप लोगों को मालूम है मेरे गाड़ी में तो पेट्रोल था, लेकिन थोड़ा सा भरना पड़ेगा क्योंकि एसी चालू है ना, इसलिए पेट्रोल थोड़ा पी रही है। अगर नहीं भरा, खत्म हो गया, तो बीच रास्ते में अगर अटक जाए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उधर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मैं आप लोगों को मेरे मामा का शॉप दिखाऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान परचेस करना चाहते हो तो मेरे मामा का शॉप का मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। हम लोग अभी पेट्रोल पंप पहुंचने वाले हैं, भाईची पेट्रोल पंप है ये, भाईची पहुंच गए। क्या भरो, 195? उतना पैसा नहीं है। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो अभी पेट्रोल डाल रहे हैं, ये देखिए पेट्रोल पंप। तो गाइस पेट्रोल डालना हो गया, बहुत दिनों बाद कार चला रहा हूँ, कैसा लग रहा है, अजीब सा। कार में मजा नहीं है, बाइक में जो मजा है कार में नहीं है। कुछ सामान है ना, इसलिए मैं कार लेके आया, नहीं तो बाइक लेके ही आता, बोरिंग लगता है कार में यार। तो हम प्रो राइडर है ना, इसलिए हमको बाइक ही पसंद है। ओह माय गॉड, वाओ, ये कार टार नहीं पसंद है। तो अभी हम लोगों को 40 किलोमीटर जाना है, बहुत ही दूर है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना दूर ड्राइव करने को। अगर बाइक होता, राइड होता तो कोई बात नहीं, कर लेता, लेकिन ये ड्राइव करने को बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो हम लोग मेमारी पहुंच गए, अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है। इधर से हाई रोड मिलता है, तो हम लोग आसपास ही है, मसकग्राम पहुंच गए। वो देखिए गेट पड़ा हुआ है, ये गेट बहुत देर तक पड़ा रहता है, कब उठेगा मालूम नहीं, अभी शायद पड़ा है, लोग कम है ना, फंस गए फंस गए फंस गए। ट्रेन जा रहा है, वो देखिए। And love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. देखा आप लोगों ने, एक ट्रेन पास हुआ, अभी भी नहीं खुला, ये एक और ट्रेन पास हो रहा है,
देखते हैं अभी खुलता है कि नहीं। मुझे तो लगता है नहीं खुलेगा। बोल रहा था ना, देखिए अभी भी नहीं खुला, दो ट्रेन पास हो गया, देखते हैं कब खुलता है। ये देखिए एक और ट्रेन पास हो गया, देखते हैं अब खुलता है कि नहीं। फाइनली खुल गया, आजाद हो गए हम। तो हम लोग पहुंच गए घर के आसपास ही है। मेरे मामा का दो बेटियां हैं, उनके लिए कुछ चॉकलेट चिप्स वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा मिठाई भी ले लेंगे। तो मिठाई और चिप्स चॉकलेट वगैरह सब ले लिया, तो अभी हम जा रहे हैं। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Finally पहुंच गए। कैसा है यार ये जगह? वो मेरे मामा का गाड़ी है, उसके पीछे ही लगा देता हूँ। बहुत दिनों बाद आया। तो हम लोग घर से निकल गए, अभी मामा के शॉप में जाएंगे। तो चलिए गाड़ी में बैठ गए, चलते हैं। ये रास्ता हो रहा है शायद। वो गाइस वो देखिए मेरा ड्रीम जा रहा है, कितना प्यारी लग रही है यार। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। अभी तो फिलहाल औकात नहीं है खरीदने की, ऑल्टो में ही काम चला लेते हैं। तो जब औकात होगा देखा जाएगा। खतरनाक लग रही है, वो चला जा रहा है। कब होगा मेरा ड्रीम कंप्लीट? मामा के शॉप पे पहुंच गए। मामा का शॉप रति इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे मामा का जो शॉप है उसका एड्रेस है जमालपुर, जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के एकदम सामने ही है। उधर उधर आपका बस स्टैंड है अपोजिट में, उसके सामने ही एकदम वो बाइक का एक शोरूम है, शोरूम के पास में ही है। बहुत सारे कलेक्शन है, आप लोग अच्छे से देख लेना। और इधर फाइनेंस भी अवेलेबल है। अंदर मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा शर्म आ रहा है मामा के सामने। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये है बस स्टैंड। बस स्टैंड में ही मैंने गाड़ी पार्क किया था। आगे है गाड़ी, जो सामान था वो मैंने ले लिया, गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के पास पहुंच गए, अंधेरा हो चुका है पूरा। वो सामान जो है वो पीछे है, तो अब हम सीधे घर जाएंगे। बहुत लेट हो चुका है, 7 बज गए। तो चलिए चलते हैं। गाइस मेरे मामा का शॉप के पास में ये ब्रिज पड़ता है, इस ब्रिज का नाम दामोदर ब्रिज है। ब्रिज में कहीं पर रुकेंगे। कितना अच्छा वेदर है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हो गया ब्रिज में, बहुत हवा खा लिया और थोड़ा सा फोटो भी शूट कर लिया। तो अब यहाँ से निकलते हैं, घर की तरफ जाते हैं। तो गाइस अभी फिर से 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसे ड्राइव करना नहीं आता, नहीं तो मैं इसको ही चलाने देता। मेरे को ही चलाना पड़ेगा, बोल लगता है यार एकदम। लाख लाख शुक्र है ये गेट नहीं पड़ा। A few moments later. मसकग्राम के गेट पर रहा है। रुक जाइए अंकल, रुक जाइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अगर गेट पर जाता तो हालात खराब हो जाता, 3-4 ट्रेन पास होती। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and finally नेमाड़ी पहुंच गए। ए भैया हट जाओ। नहीं।
तो हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, आसपास ही है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।